सिर्फ तुम्हें ठीक है ना? और कृष्णा, क्योंकि हमारी चुटकी सही सलामत है। दर चुटकी, अभी हमें जिंदल साहब को देखने जाना होगा। तो घर जाकर आराम करना। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सारी बातें बाद में हो जाएंगी। और हमारी बात सुनो। कुछ मत सोचना। बस इतना याद रखना, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। और जब तक ये गुड्डन जिंदा है ना, अपनी बहन पर आज भी नहीं आने देगी। पता है, चोट तुझे लगती है ना, दर्द हमें होता है। अच्छे से आराम करना। गुड्डन, जा चुटके, हमें जाना होगा। रेवत जी, थैंक गॉड आप ठीक है। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं तो अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाता। गलत थी मैं कि मैं आपके बहकावे में आ गई और भी में शक्कर बैठी। देख लिया आपका प्यार पर जी, और दी का भी प्यार देख लिया। इतनी घरी कोटी सुनाई लेकिन फिर भी आग में कूद गई मुझे बचाने के लिए। और आप? लेकिन रेवती जी, मैं अब और एक झूठ नहीं सहन कर सकती। मैं दी सही थी, आप पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो तुझसे मैं शादी करके ही रहूंगा, वो भी उस गुड्डन के सामने। तुम दोनों बहनों की जिंदगी अगर मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी बर्फ नहीं। अब बाहर चले। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ ना खतरे से खाली नहीं है। बाहर चलिए, आपको बाहर ही रुक जाना चाहिए था ना? मैं तुम्हें ढूंढता आया हूँ। चलिए बाहर। चलो। मेरे पूरे प्लान की बैंड बजा दी तुमने। सबको बजा के बहादुर बनना चाहते थे ना? अब बहादुरी का तोहफा भी ले लो। एक दूसरे को बचाने के लिए अंदर आए थे ना, तो ठीक है, मरोगे भी ऐसे ही। चलो विजय, चलो विजय, चलो। ये पाइप देख रहे हो? पाइप। अब धीरे धीरे इस पूरे कमरे में जहरीली गैस भर जाएगी। और इस मास्क की मदद से तुम दोनों में से सिर्फ एक ही कोई बच सकता है। ये समझ लो कि ये तुम्हारे प्यार की आखिरी परीक्षा है। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में मरोगे या खुद को बचाने की कोशिश में। विजय, 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 दरवाजा खोलो। विजय प्लीज, विजय, देखते हैं कौन किसकी जान बचाता है। मास्क पहनो तुम। आप लोग आइए। गुड्डन मास्क पहनो, जिद मत करो, प्लीज पहनो। कह रहे ना, ठीक है आप ले लीजिए। गुड्डन तुम मेरी बात मानने से मना कर रही हो, तुम्हें पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। प्लीज मास्क पहनो। आप ले लीजिए, हम मिल लीजिए, हम ठीक है। गुड्डन आपके लिए
तोहफा। हम डर रहे थे आपको देने से, पर जब आपने हमें तोहफा दिया हमें लगा हमें भी आपको दे देना चाहिए। पता नहीं आज यहाँ से जिंदा जा पाएंगे कि नहीं। आपने ना बिल्कुल सही कहा था, माना कि प्यार नहीं है, प्यारे लगते हैं। जब भी हम पे भरोसा करते हैं। पता है, मैं पापा के पास है ना, एक आप या जो हम पे इतना भरोसा करते हैं, ना कि प्यार नहीं है, प्यारे लगते हैं। हर बार, हर मुसीबत के सामने हमें बचाने के लिए खुद खड़े हो जाते हैं। माना कि प्यार नहीं है। अच्छा लगता है जब आप हमें समझाते हैं, भले ही डांट कर। हमें पता है कि आपको रंगों से परहेज है। हम जानते हैं आप इस रंग में बहुत प्यारे लगेंगे। पहनेंगे ना हमारा तोहफा, पहनेंगे ना। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा जिंदल साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सच में मैंने आपके प्यार पे शक किया। अरे जिंदल साहब, आपका प्यार तो इतना सच्चा है कि आप एक दूसरे के लिए जान भी देने वाले थे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। Thank you.
मुझे माफ कर दीजिए, आप सबकी जान मैंने खतरे में डाली, मैं ही हूं आप सबका दोषी और खासकर आपका गुड्डन जी। मुझे आप दोनों का प्यार देखकर असल में प्यार के मायने समझ में आए। अगर पहले समझ लिया होता तो आज मेरी रिया जिंदा होती। हमने कुछ खास अलग नहीं किया है विजय, एक दूसरे के साथ जुड़े होने के नाते हमारा जो फर्ज बनता है ना, वही निभाया है बस। ले जाइए। एजे ने जो किया वो अपना फर्ज समझ के किया, पर तुमने ये सब क्यों किया? अरे दुर्गा जी, भले ही शादी के बहुत टाइम बाद, पर हमने इस सच को अपनाया है कि आप हमारी बहू हैं और हम आपकी सास हैं। उसी तरीके से आज हमने एक और बात मान ली कि हम जिंदल साहब की पत्नी हैं। जिंदल साहब का नाम हमारे साथ जुड़े होने पर हमें बहुत गर्व है, और जिंदल साहब का नाम हमारे साथ जुड़े होने के नाते जो हमारा फर्ज बनता था ना दुर्गा जी, आज हमने वही की। चलिए आइए आप सब। रेवती बेटा तुम ठीक हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा तुम आ गई। तुम गुड्डन दी के वहां गई थी ना दामाद जी के पार्टी में, पता चला वहां आग लग गई थी। मैं कितना परेशान हो गया था बेटा, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। कैसी है मेरी गुड्डन? और सब कुछ ठीक है ना? और तुम कैसी हो बेटा, तुम ठीक हो ना? गुड्डन दी के होते हुए चुटकी को कुछ हो सकता है क्या भला? लेकिन अगर आज दी नहीं होती ना तो कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। पर्व ने तो जो बताया क्या हुआ पार्टी में, उसमें तो गुड्डन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर अब उस गुड्डन ने ऐसा क्या कर दिया जो जो छुटकी के तेवर ही बदल गए? गुड्डन दुर्गा दी, आप लोग ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक है। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ दादी। सुना वहाँ पार्टी में आग लग गई थी, जब से सुना मेरी तो जान लटकी पड़ी थी। दादी अगर हम सब आज आपके सामने सही सलामत खड़े हैं ना तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे साथ जिंदल साहब थे। अगर आज ये नहीं होते ना दादी तो हम सब में से कोई नहीं बच पाता। बिल्कुल सही। वैसे पूरा दिन अपनी झूठी तारीफें करती ही रहती हो, चुप नहीं रहती हो एक मिनट के लिए, लेकिन आज जब सच में एक अच्छा काम किया है तो सिर्फ मेरी तारीफ कर रही हो। मां सच तो यह है कि गुड्डन ने भी बहुत बहादुरी दिखाई और अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई इन्होंने। आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूं। उस नाच पीटे ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया ना, और तुम लोग तो वैलेंटाइन डे भी नहीं मना पाए होंगे। नहीं दादी, बहुत ही अच्छे से मनाया। आपको पता है इन्होंने मुझे कान के इतने अच्छे बुंदे दिए, देखिए। अरे वाह। और ससुमा का हार देखिए, देखिए एजे ने गिफ्ट किया है। देर से ही सही, मेरे लल्ला ने पति होने का फर्ज तो पूरा किया। दादी ससुमा कोई कम है, इन्होंने सबके सामने एजी को अपना पति और खुद को उनकी पत्नी माना है। गुड्डन क्या ये सच है? मतलब दादी उनके नाम के साथ हमारा नाम तो जुड़ ही गया है ना, तो काना तूने अपनी लीला शुरू कर ही दी। तूने गुड्डन को अपने रिश्ते अपने फर्ज का एहसास करवाना शुरू कर दिया है। हेलो जी पंडित जी, ठीक है। दुर्गा जी घर में कोई पूजा हो रही है क्या? हाँ, कल हमारी स्वर्गीय सासू माँ अंतरा माँ की बरसी है। इस दिन हर साल उनके लिए हम घर में पूजा रखते हैं, इसलिए पंडित जी का फोन आया था।
रेवाती जी ने इतनी जल्दी दूध भेज दिया। हमने क्या किया है? देख रहा हूँ कि तुम्हें बनाते वक्त भगवान एग्जैक्टली सोच क्या रहे थे। चेंबर में दो लोगों के लिए एक गैस मास्क था और लाख समझाने के बाद भी तुमने वो नहीं लिया, और आज एक कमरे में दो लोगों के लिए दो ग्लास दूध पड़ा था और तुम बिना पूछे दोनों के दोनों कटक गए। ऐसे कौन बोलता है? और जोरों की भूख लगी थी हमें तो पी गए, दूध ही तो था ना, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। एक मिनट, आपसे एक बात करें। कहिए। आप है ना, हमारे बारे में इतना सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि इतनी आसानी से समझ आने वाली चीज नहीं है। और आप हमें क्या कह रहे हैं? आप खुद कौन से कम है? क्या मतलब? नहीं, क्या मैंने क्या किया बोलो। कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया ना, पर आपका भी है ना हमारी तरह कोई भरोसा नहीं, मतलब कोई भरोसा नहीं आपका कि कब क्या कर जाए। ये मेरा तकिया है, तुम ये रख लो, पर हम दोनों के बीच में बहुत अंतर है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ना हूं और ना ही बनना चाहता हूं। यही समझाना चाह रहे थे हम आपको। एक बात बताइए, मैं पहले हमें इस कमरे में रहने की मनाही थी, ठीक ही नहीं? फिर आप खुद मान गए, अब हम एक बेड पे सो सकते हैं, लेकिन अगर आप क्या ले सीधा बैठो। अच्छा, आपको ये तकिया ले लो तो आपको प्रॉब्लम है? तो समझ में ही नहीं आता हमें, कभी कहते हैं कि गुड्डन तुम्हें ना थोड़ा गंभीरता से रहा करो, साजिश से हरकतें नहीं करती हो, और कभी खुद ही दुर्गा जी को इतना सारा गुस्सा कर देते हैं जब वो हमें सास वाली इज्जत नहीं देती है, कभी खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे नाम में सिर्फ मेरा नाम है और कुछ नहीं, और कभी खुद ही मैं तो पति होने का फर्ज निभा रहा था। आपको समझ में नहीं आता? अब आप हमें खुद बताइए कि आप गुड्डन जैसे कैसे नहीं है? हाँ, कैसे? एक बात है, हमारी जोड़ी बहुत सही है, एकदम गजब। अब देखिए ना, दोनों ही बहुत अजीब है और दोनों ही एक जैसे हैं। नहीं अंतर, हर साल की तरह इस साल भी ये बरसी का दिया नहीं जलेगा, और जलाए भी तो कैसे? आपके आपके कातिल को सजा दिलाने की कसम खाई थी हमने, उस कसम को पूरा किए बिना हम कैसे उम्मीद कर ले कि इस बरसी की पूजा से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी? मिलेगा अंतरा, आपको न्याय भी मिलेगा और आत्मा को शांति भी मिलेगी। बस एक बार हमें वो सबूत मिल जाए जिससे हम ये साबित कर दें कि आपकी मौत के पीछे अक्षय जिंदल का हाथ, और फिर सबके सामने घसीट के उसको कारावास में ले जाए।